देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं एक बार कॉन्सेप्ट के साथ। और इनफैक्ट स्टार्टिंग चैप्टर ही है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एमलगेमेशन भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इस चैप्टर को। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर बार लगभग पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। और ऑनर्स में हो तो ऑनर्स का तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स, दोनों में ही आता है ये चैप्टर। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं, सर ये एमलगमेशन में होगा क्या? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अमर मान लेते हैं एक राम लिमिटेड है, एक राम लिमिटेड है, और ये राम लिमिटेड जो है ये ओल्ड कंपनी है। ओल्ड कंपनी का मतलब पुरानी कंपनी चल रही है पहले से ही। उसके बाद एक मान लेते हैं सीता लिमिटेड, सीता लिमिटेड ये भी पुरानी कंपनी है, सीता लिमिटेड भी पुरानी कंपनी है ओल्ड। और इन दोनों कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, मार्केट में सेलिंग प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम है। जैसे मान लेते हैं कोक और पेप्सी, टेस्ट में हो सकता है मे भी फ़र्क हो, लेकिन लगभग लगभग अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऑप्शन तो चूज़ कर लेते हो भाई यही दे। तो सारा प्रोडक्ट लगभग लगभग इन दोनों का सेम है। तो एक तरीके से ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्पिटिटर, आपस में कॉम्पिटिटर। इन दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया, हाथ मिला लिया, और राम और सीता लिमिटेड ने बोला यार हम दोनों आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम दोनों मिलके काम करें, इसके बड़े सारे फायदे होंगे। बोला क्या फ़ायदा होगा? बोला फायदा नंबर वन, हम प्राइस को अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले ये प्राइस ज़्यादा रखता तो ये कम रखता था, तो इसके चक्कर में इसे भी कम रखना पड़ता था, होता है ना कॉम्पिटिशन में, तो प्राइस डिसाइड करेंगे। फ़ायदा नंबर दो, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तेज़ी से। हम अलग अलग होके अगर 5-5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो क्या पता साथ होके हम दोनों 7-7 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो साथ होने में क्या दिक्कत है? बेनिफिट नंबर थ्री, हम एक ऐसी कंपनी बन जाएंगे जो हमारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर हैं आसपास आने की कोशिश ही नहीं करेगा। क्यों नहीं आएगा आसपास? क्योंकि जब बड़ी कंपनी होती है तो छोटी कंपनी सोचती नहीं है उसके बारे में जनरली। छोटी कंपनी, हाँ वो बात अलग है कि छोटी कंपनी उसके बराबर आ गई, लेकिन सोचती नहीं है कि उसके टक्कर देने की। तो ये सब कुछ इसके बेनिफिट है। तो इन दोनों ने बोला ठीक है। इन दोनों ने बोला देखो हम पुरानी कंपनी और इस कंपनी को ख़त्म करके एक न्यू कंपनी बनाएंगे, क्योंकि नए सिरे से काम शुरू करेंगे। और इसने मान लेते हैं रामायण लिमिटेड बना लिया, रामायण लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी क्रिएट कर लिया। तो ये ओल्ड वाली कंपनी बची या नहीं बची? ये क्या हो गया? क्लोज्ड, बंद हो गया। जिसे हम बोले तो ये हो गया लिक्विडेशन या फिर डिसोल्यूशन सिंपल वर्ड में, ठीक है। और ये वाली कंपनी बताइए, ये भी क्या हो गया? क्लोज यानी डिसॉल्व हो गया। ये कंपनी भी डिसॉल्व हो गया इस केस में। और ये कंपनी क्या है हमारा? न्यू कंपनी। तो जब कभी भी दो पुरानी कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनाती है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एमलगमेशन। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे हम? सिंपल, सिंपल से शब्दों में एमलगमेशन। तो एमलगमेशन का मतलब दो पुरानी कंपनी मिलके नई कंपनी बनाए। रियल लाइफ का एग्जांपल, वैसे तो ये समझ में आ गया होगा, रियल लाइफ का एग्जांपल अगर लेते हो तो आपका आइडिया वोडाफोन मिलके बना क्या? वीआई, ठीक है ना। तो ये भी क्या था हमारा? एक काइंड ऑफ एमलगमेशन ही था, ठीक है। तो सर हम इसमें सीखेंगे क्या एमलगमेशन में? इस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे तो डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना है, इस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे तो डिसोल्यूशन यानी दो दो डिसोल्यूशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इसके सारे बुक्स क्लोज करोगे तो उसके सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, और इसके सारे बुक्स क्लोज करोगे तो उसके ट्रीटमेंट। अब एक नई कंपनी बनेगी
तो ये अपना बैलेंस शीट और सारे एसेट्स अपने में कैसे कैसे लेगी, तो एक वो बनाना पड़ेगा। तो फाइनली देखा जाए तो तीन लोगों के लिए काम करना है एमलगेमेशन में। एक जो पुरानी दो कंपनी है जो बिक रही है उसके लिए भी अकाउंटिंग करने को बोला जा सकता है, एक नई कंपनी है उसके लिए भी बोला जा सकता है। और सर क्या तीनों ही आएगा अकाउंटिंग? तो बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे पेपर में देखा जाए तो, इसकी पूरी अकाउंटिंग इसकी नहीं, एग्जामिनर या तो इसकी बोल सकता है, इसकी बोल सकता है, इसकी तीनों में से किसी एक का वो बोल देगा इसका आप सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। तो हमें एक का नहीं सीखना, हमें किसका सीखना पड़ेगा? तीनों का, ताकि आपको जो भी पूछा जाए वो हम करके दिखा देंगे। तो एमलगमेशन बेसिकली क्या होता है कि पुरानी कंपनी मिलके एक नई कंपनी बन गई और उसे क्या बोला जाएगा? एमलगमेशन बोला जाएगा। समझ में आया एमलगमेशन का मतलब? अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे कि जब ये कंपनी जाएगी तो उसका पेमेंट क्या होगा, नहीं होगा, वो हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। सेकेंड यानी आज ही बात करेंगे लेकिन आगे। अब एक आता है सर एमलगमेशन के बाद एक अब्जॉर्प्शन है, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एमलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एमलगमेशन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि दो तीनों में क्या डिफरेंस है। सर अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एक ए लिमिटेड है, या मान लेते हैं एक ए लिमिटेड है, तो जितना बड़ा मैंने ए लिखा है तो इससे समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी छोटी है बड़ी है, बड़ी कंपनी है। और एक बी लिमिटेड है, ठीक है, एक एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड, तो बड़ी कंपनी कौन सी है हमारी? ए लिमिटेड। तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी कंपनी किससे बनती है? गुडविल से, पैसा लगाने से कोई बड़ा नहीं बनता। मार्केट में नाम, रेपुटेशन, ये भी तो चीज़ें होनी चाहिए, तो इसकी गुडविल बनी हुई है। और बी लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है जिसकी गुडविल नहीं है, दोनों सेम प्रोडक्ट लाइनअप में है। या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में गुड्स को सप्लाई करते हो। मान लेते हैं ये मारुति कार बनाता है और उसके लिए स्टील सप्लाई कर रहा है, ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी, दोनों सेम प्रोडक्ट लाइन में है, दोनों ने बात किया यार कुछ बड़ा करना चाहिए हम दोनों को। तो ए लिमिटेड ने सजेस्ट किया, देख भाई बी लिमिटेड तू तो है छोटी कंपनी, तो एक काम कर तू मेरे अंदर आके मिल जा, अगर मैं तेरे अंदर मिलूंगा तो इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा नाम पहले से बना हुआ है, सब मुझे ज़्यादा जानते हैं कंपेयर टू तुझे, तेरे को कम जानते हैं बी लिमिटेड। तो एक काम कर तू अपनी कंपनी को बंद कर और सारी चीज़ें मेरे में लिया, प्रॉफिट होगा ना, हम बांट लेंगे यहाँ पर आपस, प्रॉफिट की चिंता नहीं है। तो इसका मतलब ये कंपनी जाके मिल गया इसमें, तो ये भी कंपनी ओल्ड ही कंपनी है और ये कंपनी भी ओल्ड ही है। लेकिन जैसे ही ये मिला तो फाइनली इन दोनों के मिलने के बाद अकेला क्या बच गया? ए लिमिटेड। क्या बचा सिर्फ? क्या बी लिमिटेड का नामो निशान होगा? नहीं होगा। तो ए लिमिटेड ने छोटी कंपनी को खा लिया कह सकते हो, तो खाने के इन द सेंस एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसे बोला गया एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात? तो दोनों में फर्क दिख रहा है आपको इन दोनों में, एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन। एमलगमेशन में क्या था बताओ? सर एमलगमेशन में दो पुरानी कंपनी जुड़ के, जुड़ तो गई, मिलाप तो हुआ उनका, लेकिन एक न्यू कंपनी इन्वेंट हो गया वहां पे। और इसमें क्या था, दो कंपनी तो था वो मिले तो सही लेकिन न्यू कंपनी नहीं बना, जो कंपनी जिस कंपनी का गुडविल ज्यादा है वही कंपनी का नाम क्या करते रहे, चलाते रहे। अब अगला देखते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हमारे चैप्टर एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी चैप्टर है जो आगे हम देखेंगे। तो सर इन दोनों में फर्क है बिल्कुल। कई बार क्या होता है, हमने एक कंपनी बनाया, मान लेते हैं हमने एक बनाया पी क्यू आर लिमिटेड एक कंपनी बना लिया, और जब हमने कंपनी बनाया तो हमें इतनी नॉलेज थी नहीं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बताइए मुझे कि कंपनी किसके पॉइंट से चलता है, कंपनी को चलाने चलाता कौन है? क्या शेयर होल्डर कंपनी को चलाते हैं? बताइए, अगर शेयर होल्डर चला रहे होते हैं तो आप भी SBI का एक शेयर ले लो, चला लो SBI को, तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर, ठीक है। अब कंपनी जो चलता है डायरेक्टर चलाता जरूर है, लेकिन डायरेक्टर भी एक रूल एंड रेगुलेशन से चलाएगा।
तो फाइनली हर एक कंपनी के दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, जिसको बोला जाता है एम ओ ए। और 11वीं क्या ऑनर्स वाले आपके जो एग्ज़ाम होगा ना अभी, लॉ है ना, क्वेश्चन फिक्स से आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम ओ ए एंड ए ओ ए, एक्सप्लेन एम ओ ए का ऑल्टरनेशन, ए ओ ए का ऑल्टरनेशन, पक्का फिक्स क्वेश्चन आना ही है इसमें आपका। एक क्वेश्चन, किसका ऑल्टर कैसे होते हैं, इसके अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं। 6 क्लॉजेस कौन से हैं? नेम क्लॉज है हमारा, एड्रेस क्लॉज है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। इनको ऑल्टर कैसे किया जाता है, पेपर में आएगा ही आएगा ये। एक होता है एम ओ ए, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ, एक होता है ए ओ ए, जिसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर डिफरेंस क्या है इसमें? मोटी मोटी बातें होती हैं, और इसके अंदर सारे रूल लिखे होते हैं। इसके अंदर ए ओ ए में रूल लिखी होती है कि कंपनी कैसे काम करेगी। सपोज करो पी क्यू आर लिमिटेड ने इस रूल बुक में लिख दिया कि हम लोन लेके काम नहीं करेंगे भैया, और इसके डायरेक्टर ने लोन ले लिया और अपना काम करने लग गया, तो जो इसने रूल बुक बनाया था ए ओ ए उससे बाहर निकल गया। कंपनीज एक्ट, जो कंपनी लॉ बोर्ड है, वो देखेगी भाई तुम तो इस रूल खुद ही लिख रहे हो और खुद के रूल तोड़ रहे हो, तो आपकी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाए जा रहे हैं, आपकी कंपनी को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। वो टोटली डिपेंड है, यानी जो रूल बुक में लिख लिया काम कैसे होगा उसी के हिसाब से होगा। अगर इसके बियॉन्ड करोगे काम, तो आपकी कंपनी के ऊपर फाइन, पेनल्टी और कंपनी को बंद करने का भी आदेश आ सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो सर ये एओए जो रूल बुक था, जब आप रूल बुक बना रहे थे तो इसमें सारे रूल आपने लिखे होंगे, लेकिन जब आप रूल बुक बना रहे थे, सारे रूल लिख रहे थे, तो शायद आपका इतना दिमाग नहीं चला होगा, आपने लिख दिया कि लोन लेके काम नहीं करेंगे हम, आपने लिख दिया कि हम मार्केट में शेयर इशू नहीं करेंगे, आपने लिख दिया कि हम डिविडेंड इतना देंगे हर साल, मतलब वो रूल बना दिए जो कि आपका लग रहा है कि आप पहले उस टाइम पे जब जिस जमाने में बनाया था उस जमाने में तो पॉसिबल था, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ ये सारे रूल पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि पहले के टाइम पे लोन लेके काम नहीं होता था, ऐसा पॉसिबल हो सकता था, लेकिन आज के टाइम पे तो मोबाइल फ़ोन भी लोन लेके कर लेते हैं लोग, हर चीज़ लोन। ऐसा कोई भी घर का व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने लोन नहीं ले रखा हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे घर का हो, किसी ना किसी का लोन तो होता ही होता है। तो ये मैंडेटरी हो गया एक तरीके से आज के टाइम पे। तो सर अब हम क्या करें, पी क्यू आर लिमिटेड ने तो रूल बना लिया और कंपनी को एक्सपेंशन के लिए कर्जा चाहिए ही चाहिए, और हमने कर्जा लिया तो क्या होगा, समझ सकते हो क्या होगा अगर हमने कर्जा लिया तो? बताइए, कंपनी के ऊपर फाइन, पेनल्टी, कंपनी की रेपुटेशन डाउन, सारे डायरेक्टर के ऊपर फाइन, कंपनी बंद करने का आदेश, और जो कंपनी चला रहा है शायद उसको जेल भी हो जाए। तो अब कंपनी क्या सोच रही है, यार हम ऐसा करते हैं, ये वाली जो कंपनी है ना, इस कंपनी को हम एक काम करते हैं, नई रूल बुक बनाते हैं, और सारा रूल बुक, अगर मैं न्यू रूल बुक बना दूं तो बात बन जाएगी, लेकिन इस रूल बुक के अंदर, एओए के अंदर इतने चेंजेस है कि चेंज तो नहीं कर सकते। दो ऑप्शन है, या तो आप इसको चेंज करवा लो या फिर न्यू रूल बुक बना लो। अगर इसको आप चेंज करवाते हो तो बहुत टाइम भी लग सकता है। तो इसने सोचा, एक तो यार पी क्यू आर लिमिटेड थोड़ा सा नाम भी अजीब सा है, तो एक काम करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं, सब कुछ वही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यही कंपनी सोच रहा है, एक नए नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। ढेरों सारे ऐसे एग्जांपल है जिसने ऐसा किया है, अपना नाम बदल दिया। जैसे कि आपको पता है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का पहले नाम क्या हुआ करता था, किसी को पता है? यूटीआई बैंक के नाम से था वो, अगर थोड़ा बहुत रिमेंबर हो तो देखना। पहले एक्सिस बैंक पता है किस नाम से होता था? यूटीआई। कोई उस बैंक में जाने को तैयार नहीं था, यूटीआई बैंक, नाम ही लोगों को पसंद नहीं आता, यूटीआई बैंक पता नहीं कैसा बैंक है। फिर उसके बाद जैसे ही एक्सेस किया ना, लीडिंग बैंक बन गया वो सीधा,
यानी यूटीआई के टाइम पे उसके रूल बुक्स कुछ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहे होंगे, तो उसने अपने नाम को क्या करा, बदल दिया। अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, ग्रोफर। ग्रोफर का नाम सुना है? क्या करती है? ग्रोसरी जो आपके घर घर डिलीवरी करती है, उसने अभी लेटेस्ट नाम चेंज कर दिया। किसी को पता है कि क्या नाम है? ब्लिंकिट के नाम से रख लिया उसने। हाँ, ये हो सकता है कि क्या प्रोविजन हुआ, नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन उसने क्या करा, अपना नाम बदल दिया। उसको लगा नाम बदलने से बहुत अच्छा होगा, तो अब अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, उस मुद्दे की बात तो नहीं समझते हैं। हाँ नहीं, वो पहले भी था, लॉस में जा रहा है, लेकिन उसने नाम बदला। तो जब कभी भी देखो, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, दोबारा बनाना। तो हमने पुरानी कंपनी को ही मान लेते हैं, पी क्यू की जगह पे मैंने ए बी सी लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना दिया, है पुरानी कंपनी, तो सारे एसेट्स यहां आ गए, सब कुछ यहां आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों में डिफरेंस पता चला? सर अगर देखो तो इसके अंदर ये कंपनी क्या हो जाएगी, क्लोज, और इसमें भी कोई कंपनी क्लोज होगी क्या? बी भी क्लोज होगी। तो यानी एक बात तो तय है, जो ये चैप्टर है, चाहे एमलगमेशन हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका आपका एब्जॉर्प्शन हो, हर एक में कंपनी तो बंद होनी पक्की है, एक और नई कंपनी। तो तीनों में डिफरेंसेस की बात करें तो आपको साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा होगा तीनों में। समझ में आ रहा है? एमलगमेशन कब होगा? जब दो कंपनी मिल जाएगी और एक नई कंपनी बनेगी। एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के अंदर मिल जाएगी, तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा? पुरानी कंपनी है, कोई खरीद नहीं रहा, उसने अपने आप को पूरा रीस्ट्रक्चर कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है, एमलगमेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आप अपनी किताब में देखेंगे तो पहले पेज पे यही तीन वर्ड लिखा हुआ है, उसी तीन वर्ड को अभी तक हमने अच्छे से समझा है कि किसका मीनिंग क्या है। समझ में आई बात? आप अब सर यहां पे मुद्दे की बात क्या है, यहां पे पॉइंट क्या है जो हमें रिमेंबर कर रखना है और ध्यान रखना है? जो भी हम पहले वाली केस की बात करते हैं, हमारा ये वाला पहला केस है। इस केस के अंदर ये जो कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? न्यू। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, रामायण लिमिटेड ने राम लिमिटेड और सीता लिमिटेड को खरीद लिया, बोल सकता हूं। तो रामायण लिमिटेड की जिम्मेदारी बनती है कि जब खरीदा है तो ये मान लेते हैं ये रहे राम और ये सीता, तो मान लेते हैं कि इस रामायण लिमिटेड को इसको पेमेंट देने की जिम्मेदारी बन रही है। तो पेमेंट कितना किया जाए इसे, और किसको पेमेंट किया जाए? सीता लिमिटेड को भी करने की जिम्मेदारी बनती है पेमेंट की, तो रामायण लिमिटेड दोनों को पेमेंट करेगा। किसको करेगा? राम लिमिटेड को भी और सीता लिमिटेड को भी। तो जो इसको पेमेंट किया जाएगा उसे बोला जाता है कंसीडरेशन। आपने इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट सेम में था, उसके अंदर था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके अंदर एक कंसीडरेशन का चैप्टर ही था। तो कंसीडरेशन क्या होता है कि जो बदले में हम देते हैं। तो सर जब हम बदले में इसको देंगे तो इस पेमेंट को साधारण पेमेंट ना बोल के क्या बोलेंगे पता है? परचेज कंसीडरेशन। और इसको मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करूंगा आगे चल के, पीसी, अपने लिए, एग्जाम में आपने नहीं करना, ठीक है? परचेज कंसीडरेशन। तो यहां पे रामायण लिमिटेड किस किस को परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा? राम और सीता। इस वाले क्वेश्चन में बताइए, एब्जॉर्प्शन के केस में कौन परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा? ए लिमिटेड करेगा इसको, तभी तो बात बनेगी अकाउंटिंग में। इस वाले क्वेश्चन में भी कोई परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करेगा? ए बी सी लिमिटेड, हालांकि खरीदा नहीं है, लेकिन एक बुक में एंट्री तो करके दिखानी पड़ेगी ना अकाउंटिंग में कि ये पुरानी कंपनी बंद हो गई, इसको इस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, एक तरीके से दिखानी पड़ेगी, तो एक अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये परचेज कंसीडरेशन निकालेगा। तो सर जो ये परचेज कंसीडरेशन है, इसको निकालने के बड़े सारे मेथड्स हैं,
चाहे आपका एमलगमेशन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका हो एब्जॉर्प्शन, इसके निकालने के मेथड्स के ऊपर भी थ्योरी पूछा जाता है, इसमें से थ्योरी आएगा। सर बेसिकली मेथड है एक आपका नेट पेमेंट, या फिर बोल सकते हो टोटल पेमेंट मेथड, टोटल पेमेंट मेथड। या फिर टोटल पेमेंट मेथड दूसरा क्या है? नेट एसेट मेथड, नेट एसेट्स मेथड। अब आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है? ये बेसिकली क्या है मेथड? ये जो निकाला है ना, हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैसे फाइंड किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि किसी कंपनी का परचेज कंसिडरेशन क्या है, तो आप या तो इस तरीके से निकाल पाओगे उसका, या फिर इस तरीके से। पहला जो हमेशा एग्जामिनर अगर कुछ भी नहीं कहता, तो हमें सबसे पहले यही मेथड अप्लाई करना है। कौन सा? नेट पेमेंट मेथड या टोटल पेमेंट मेथड। अगर हाँ, ये पेमेंट मेथड आपको लगता है कि इस वाले मेथड की जानकारी नहीं गिवन, क्या क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा अभी। अगर आपको लगता है कि इसकी जानकारी नहीं है, तब हम इसको चूज करेंगे। यानी आपको एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर अगर बोलता है कि आप नेट पेमेंट मेथड से निकालिए, या बोलता है नेट एसेट्स मेथड से निकालिए, अगर बोल दे एग्जामिनर, तब तो फिर कुछ करना ही नहीं, आपने जैसे बोला वैसे करेंगे। एग्जामिनर ने बोला नहीं है और बोला है सिर्फ परचेज कंसिडरेशन निकालिए, तो आप सबसे पहले किसके हिसाब से ढूंढना चालू करेंगे? नेट पेमेंट मेथड। दूसरे नंबर पर किस पे जाएंगे? नेट एसेट्स मेथड। सर ये नेट पेमेंट और नेट एसेट से क्या निकाल पाएंगे इस मेथड से? परचेज कंसिडरेशन। सर परचेज कंसिडरेशन होता है क्या है? जो कंपनी बिका है उसको जो वैल्यूएशन में हमें कितने रुपए देने हैं, और उस रुपए के अंदर कैसे कैसे करेंगे वो तो अलग बात है। तो ये चीजें हमारी क्या है यहाँ पे? दो मेथड्स, जो कि है नेट पेमेंट मेथड, टोटल पेमेंट मेथड या नेट एसेट्स मेथड। तो हम पहले नेट पेमेंट मेथड सीखेंगे, ठीक है ना? इसके कुछ केसेस बना के करेंगे, और फिर तो इसमें से आपको जो छोटी मोटी चीजें नोट करना है तो एक बार नोट करिए, फिर हम परचेज कंसिडरेशन के टॉपिक पे आएंगे और परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से सीखना चालू करेंगे, ठीक है?